नमस्कार दोस्तों, पवन सिंह चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले दोस्तों, आपको ये अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें और पवन सिंह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आज पूरा हमारा डिस्कशन होगा जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो चलिए कंप्यूटर पे चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपने gst.gov.in गूगल में टाइप कर लेना है और फिर हम सर्च पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसे gst.gov.in साइट खुलकर आ जाती है जो सबसे पहले नंबर पर है। इस पे हम क्लिक करते हैं। प्रोसेसिंग हो रही है। क्लिक करने के बाद ऐसे सर्विसेज आपके सामने खुलकर आ जाती हैं। तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको दोस्तों मेनली तीन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। एक, सबसे पहले आपने अपनी फ़ोटो स्कैन करके रख लेनी है, पासपोर्ट साइज। दूसरा डॉक्यूमेंट, आपने प्लेस ऑफ बिजनेस का प्रूफ देना होता है। जो अगर अगर बिल्डिंग आपकी है तो आप उसमें बिजली का बिल स्कैन कर सकते हैं, और अगर बिल्डिंग आपकी किराए पर है तो उसका लीज डीड या रेंट एग्रीमेंट स्कैन करके रख लें। तीसरा डॉक्यूमेंट आपको जो चाहिए होगा वो बैंक की पासबुक होती है, उसको आपने फ्रंट पेज को स्कैन करके कंप्यूटर में रख लेना है पहले से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो हम दोस्तों चलते हैं रजिस्ट्रेशन में। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक मारते हैं। प्रोसेसिंग हो रही है। तो दोस्तों, इस तरह से विंडो आपके पास सामने खुलकर आ जाती है। न्यू रजिस्ट्रेशन करते वक्त आप जब अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भरते हैं तो उस पे आपको ओटीपी आता है। ईमेल पर अलग से ओटीपी आएगा और मोबाइल पर अलग से ओटीपी आएगा। दोनों ओटीपी कंफर्म करने के बाद आपको टीआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। जब आपको टीआरएन नंबर, वो भी रजिस्टर्ड मेल आईडी पर आता है, टीआरएन नंबर जनरेट होने के बाद, दोस्तों मैं आपको ये प्रोसेस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ, तो मैं सिर्फ आपको गाइडेंस के लिए जानकारी दे रहा हूँ। फिर मैं लॉगिन करके भी दिखाऊंगा आपको, क्योंकि मेरा जीएसटी नंबर आ चुका है एज ए जीएसटी प्रैक्टिशनर। इस पे दो ऑप्शन है, तो आप एज ए टैक्स पेयर आओगे। फिर आपने स्टेट सिलेक्ट करना है। स्टेट मेरा पंजाब है, आपका जो भी स्टेट हो आप उसे भर ले। स्टेट भरने के बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। सपोज करो टैक्स पेयर हूँ मैं हूँ पंजाब से। तो पंजाब सिलेक्ट कर लिया मैंने। प्रोसेसिंग हो रही है। डिस्ट्रिक्ट बठिंडा, लीगल नेम ऑफ बिजनेस एज मेंशन इन पैन। तो दोस्तों, लीगल नेम परमानेंट अकाउंट नंबर एज, यहाँ पर मेरा लीगल नेम जो भी है, मैं पवन कुमार हूँ तो मैं अपना नाम पवन कुमार भर लेता हूँ। परमानेंट पैन नंबर जो आपको पहले से ही अलॉट है, यहाँ पर पैन नंबर भर लेना। यहाँ पर ईमेल एड्रेस, यहाँ पर मोबाइल नंबर। इसके बाद आपने जो कच्चपा है इसको भरने के बाद प्रोसीड पे क्लिक मार देना है। इस तरह दोस्तों आपका जो टीआरएन नंबर जनरेट हो जाता है, टीआरएन नंबर आपने नोट करके रख लेना है। जब आपका टीआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा तो आपने इस तरह से टीआरएन नंबर भरकर उस पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपने कच्चपा भरेंगे तो आप आगे फर्दर प्रोसेस कर जाते हैं। इसमें फर्दर प्रोसेसिंग के बाद आपने वो सारे स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप पूछेगा। पहले आपकी पर्सनल रजिस्ट्रेशन होती है, मैं लॉगिन करके भी आपको दिखाऊंगा एक बार। तो चलिए, मेरा जीएसटी नंबर आ चुका है तो मैं उसको अपनी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर। तो दोस्तों, फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करते हैं तो आपके पास इस तरह से डैशबोर्ड खुलकर आ जाता है। इस तरह से डैशबोर्ड खुलकर आ जाता है कि मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर जो मुझे अलॉट हो चुका है। और आप यहाँ से प्रोफाइल्स में भी जा सकते हैं, तो मैं प्रोफाइल में जा रहा हूँ। प्रोफाइल में जाने के बाद दोस्तों, जब आप जीएसटी का अपना फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो लीगल नेम ऑफ बिजनेस
मेरा पवन कुमार है, सेंटर ऑफ ज्यूरिडिक्शन मेरा बठिंडा है और स्टेट ज्यूरिडिक्शन बठिंडा वार्ड नंबर 9 है। तो दोस्तों अगर ये शुरू में आपसे गलत भी हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप क्योंकि जब आपका GST रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो ये आपका जो ज्यूरिडिक्शन है, स्टेट ज्यूरिडिक्शन है, वो अपने आप सिलेक्ट हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस में आप प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट करेंगे, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप सिलेक्ट कर लेना है, जैसा भी आपका केस होगा। अगर आप इसमें ये भी सिलेक्ट करना है कि आपने सर्विस प्रोवाइडर हो या आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, एज पर केस जैसा भी आप बिजनेस कर रहे हैं उस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन कर लेना है। दोस्तों इसी के साथ इसमें प्लेस ऑफ बिजनेस है वो हमने अपडेट करना होता है, फिर कॉन्टैक्ट्स हैं, कॉन्टैक्ट्स में मेरा GST प्रैक्टिशनर कोई भी नहीं, अथॉराइज्ड सिग्नेचर ही मैं खुद हूँ, तो मैंने अपना डाटा भरा हुआ है। अगर आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव है जो आपकी तरफ से टैक्स वगैरह फाइल करता तो रिप्रेजेंटेटिव भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अदर बिजनेस में मैंने कुछ नहीं भरा था, अगर आपके बिजनेस एक से ज़्यादा जगह पर है तो आपने उसकी भी डिटेल उस पर दे देनी है GST रजिस्ट्रेशन के। इसी के साथ ये दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूलें और पवन सिंह चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फ्रेंड, वेलकम इन पवन सिंह।